हरखंड के एक प्रेमी जोड़े के प्यार के आगे धर्म की सारी दीवार टूट गई और एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म अपनाते हुए एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। उस लड़की से वो एक साल से प्यार कर रही थी। अब यह प्यार का बंधन शादी के बंधन में तब्दील हो गया है। वहीं यह खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद उसने हिंदू लड़के से शादी कर ली। खबर गोड्डा जिला के मेहरामा क्षेत्र से है, जहां राम कुमार नाम के लड़के को मुस्कान खातून नाम की लड़की को लेकर 17 अक्टूबर को घर से फरार हो गया। फिर लड़की से अपनी शादी कोर्ट में करने के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचा और वकील से मिला। वहीं इसकी खबर लड़की के परिवार को मिल गई और फिर लड़की के परिवार वालों ने कोर्ट परिसर के अंदर लड़की से मारपीट करने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया और लड़की को पुलिस की सुरक्षा दी गई। लड़की ने कोर्ट में अपना बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं और मैं इस शादी से खुश हूं। साथ ही लड़की ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। कोई दबाव लड़का का कि शादी करो जबरदस्ती, ऐसा नहीं, नहीं। अपनी मर्जी अपने खुशी से शादी करना चाहती है। अच्छा, घर के ऊपर से मतलब घर वाला लोग आपके राजी हैं? आप दोनों के मेरे घर वाले राजी नहीं हैं। तो कोई मारने पिटने का धमकी ऐसा कोई? हाँ। क्या है, कौन धमकी दे रहे हैं आपको? मम्मी पापा मामा। मामा मामा कौन है आपके? पुलिस विभाग से है। क्या करते हैं वो? पुलिस में कोई विभाग में है तो हमको भी मालूम नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कोई सुरक्षा प्रदान किया गया या फिर आपके सपोर्ट में कोई है? जी अभी तक नहीं। अच्छा, कोई नहीं है। लेकिन आप लोग शादी करने के बाद कहाँ जाएंगे अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है? जी नहीं। अच्छा, आप लोगों को डर है कि शादी करने के बाद कोई मारा जाएगा पीटा जाएगा? जी बिल्कुल। किससे डर है आपको? मेरे घर वाले से। मतलब मारने पीटने का धमकी मिला है? अच्छा, अभी आपको ढूंढ रहे होंगे बोलो। जी। वहीं कोर्ट में बयान देने के बाद युवती को पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा प्रदान किया गया और युवती को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया, जिसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी के साथ पीरपैंती के मीनाक्षी मंदिर में सनातन धर्म को अपनाते हुए हिंदू लड़के से शादी कर ली। लड़की ने बताया कि हमारे मामा और मौसा मुझे धमका रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं लड़का का कहना है कि हम लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़का ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि हमारे परिवार वाले भी इस शादी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से मेरे परिवार वालों को लगातार धमकाया जा रहा है। इस शादी के दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? तेज बोलिएगा। मुस्कान। मुस्कान कुमारी, कहाँ घर है आप लोगों का? मेरा घर सियालदह। अच्छा, आप लोग अभी इस वक्त हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए हैं? हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए, तो आपने हिंदू धर्म को अपनाया, तो क्यों अपनाया आपने हिंदू धर्म को? इसका सांस्कृतिक अच्छा लगा इसलिए आप हिंदू धर्म को अपनाया। तो क्या यह शादी आप लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं? अच्छा, इसमें कोई आप लोगों का किसी का दबाव नहीं, मतलब लड़का के दबाव में आकर के तो शादी नहीं कर रहे ना? इसके अलावा किसी का दबाव है क्या, मतलब घर वाला से किसी से डर, कोई खतरा? किससे डर है आपको? मेरे घर वाले से। मेरे मौसा। मतलब कौन कौन, क्या नाम बता सकते हो? कौन कौन है? मेरे मौसा, मामा और पापा। अच्छा, उनसे डर है जी। अच्छा, कोई धमका रहे हैं आप लोगों को जी? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग एक हिंदू रीति रिवाज से शादी किए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम दोनों। बिहार सरकार सभी नौनिहालों के बेहतर भविष्य के लिए कई तरह की योजना चला रही है, जिससे नौनिहालों का भविष्य बेहतर किया जा सके। वहीं भागलपुर के इसाकचक 12 नंबर गुमटी के रहने वाले 9 वर्षीय मोहम्मद अमीर स्कूल नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसके पिता मोहम्मद मनीर हैंडीकैप हैं और छोटा बेटा अपने पिता को ठेले पर बैठा कर सेब की बिक्री करने के लिए सुबह ही निकल जाता है और देर शाम घर वापस लौटता है। मासूम बच्चे को पढ़ने का शौक है, लेकिन अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसके पिता को सेब बेचने कौन ले जाएगा, और अगर सेब बेचकर दो पैसे घर नहीं आए तो वो खाना क्या खाएगा। इसी को लेकर वो अभी से 5 से 6 किलोमीटर ठेला चलाकर पिता के साथ सेब बेच रहा है।
वहीं मनीर के हैंडीकैप होने के कारण सरकार की ओर से 400 रुपये मिलता है, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा समझा जा सकता है। वहीं मजबूरी में पिता अपने मासूम बच्चे के साथ सेब बेचने निकल पड़ते हैं। दो तीन महीने से कर रहे हैं, बाल बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, मैं जब नहीं कमाऊँ तो बच्चा खाएगा क्या? क्या हो गया है आपको? वही विकलांग है, पर्स अपाहिज है, अपाहिज लेके हम बाल बच्चे को लेके पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पढ़ाते हैं थोड़ा बाल बच्चे लेके घिसते हैं। क्या बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। दो बच्चे क्या करते हैं? दो बच्चे घर में है, एक बच्चा अभी यहाँ आया है, एक वो पढ़ने गया। भागलपुर के 2000 करोड़ रुपए से अधिक के बहुचर्चित सृजन घोटाले मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रजनी प्रिया और अमित कुमार के कई ठिकानों पर इश्तेहार चिपकाया है। आपको बता दें सीबीआई कोर्ट के द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार निकाला गया, जिसके बाद सीबीआई की टीम पटना से भागलपुर पहुंची और तिलका मांझी थाना क्षेत्र के न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के अलावे कई ठिकाने पर इश्तेहार चिपकाया। अमित और प्रिया के 5 ठिकाने पर सीबीआई ने ढोन लगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान सीबीआई अधिकारी ने लोगों से अपील किया कि अगर कहीं भी दिखे तो स्थानीय थाना में सूचित करे। आपको बता दें सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित प्रिया अभी सीबीआई की पकड़ से बाहर है। तो सभी को मानना पड़ेगा। क्या कुछ ने इश्तेहार छपा? बस इश्तेहार है, कोर्ट ने आदेश दिए थे उसी के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के सोहोड़ा गांव में एक लड़की की शादी कराने को लेकर देर रात वर पक्ष और वधु पक्ष में हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी और दो युवक की पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मृतक प्रेमी लाल यादव का छोटा पुत्र राजू यादव है, जबकि घायलों में मृतक के भाई कारेलाल यादव और मिथुन कुमार है। राजू यादव को एक गोली सीने में और एक गोली बांह पर लगी है। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल भेजा, जबकि घायलों को भी पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देर रात परिजन और कई ग्रामीण नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए थे। इधर जानकारी मिली कि दूसरे पक्ष से भी 4-5 लोग घायल हैं। शवों का पुलिस हिरासत में रंगरा PHC में इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोहड़ा गाँव के कैलाश यादव की पुत्री अंजलि कुमारी की शादी रात को होनी थी। खगड़िया के बंदेहारा गाँव से बारात 9 बजे पहुंची थी। लड़की बालों ने लड़का देखते ही लड़के को बदल लेने का आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया। लड़की बालों के ना कहने के बाद बराती पक्ष के लोगों ने कुछ ग्रामीण पक्ष के लोगों को समर्थन में लेकर लड़की के पिता पर दूसरे लड़के से शादी करने का दबाव बनाया। तो इधर कैलाश यादव के भतीजे शादी नहीं होने देने के पक्ष में थे। इसी क्रम में बारात पक्ष के समर्थकों और कैलाश यादव के भतीजे के बीच विवाद शुरू हो गया, जो मारपीट में तब्दील हो गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि इसी क्रम में पक्ष समर्थकों ने पहले लाठी डंडे से कैलाश यादव के भतीजे की जबरदस्ती गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें राजू यादव को 2 गोली लग गई, जबकि विवाद बढ़ता देख बाराती बंधेरा लौट गए। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के ही सोनेलाल, मुकेश यादव, सौरभ यादव, हीरालाल यादव, रणवीर यादव, कोकन यादव समेत कुल 9 लोगों ने गोलीबारी कर राजू की हत्या कर दी और राजू की भाई कारेलाल यादव, मिथुन यादव की पिटाई कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मृतक राजू शादीशुदा था, महज 7-8 माह पहले उसकी शादी मानसी में हुई थी। वो BLS कॉलेज का छात्र था और सेना में जाने की तैयारी कर रहा था। अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा चचेरी बहन था, चचेरी बहन का शादी हो रहा था, लड़का बदल गया था, लड़का बदल गया था, वो गया था, वो बोला चाचा सब बोला क्या नहीं हम कराएंगे शादी नहीं कराएंगे। तो उसका रिलेशन का था, रिलेशन का था, जो वो जो था ना वो ऐसे बकवास करने लगा कि शादी होगा होगा होगा, गाली गुलम देने लगा। हमारा भाई भी गया, हमारा भाई को गाली से लाठी से इसको ये देखो यहाँ पे भी मारा है पूरा। चौदह सितंबर को भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला निवासी सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल की हत्या के मास्टरमाइंड मोमिन टोला निवासी मोहम्मद इरशाद के घर पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती की गई।
घटना के 2 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस इरशाद को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। इसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर नाथनगर थाना पुलिस उसके घर की कुर्की जब्ती के लिए अर्जी दी थी। न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर केस के अनुसंधानकर्ता मोहम्मद कमाल सहित अन्य पुलिसकर्मी ने कांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद इरशाद के घर पहुंचे और कुर्की जब्ती की। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर इन दिनों जिले के अलग अलग प्रखंड के पंचायतों में चल रहे विकास योजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुल्तानगंज प्रखंड में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा 4 पंचायत का औचक निरीक्षण होना था। इसको लेकर SDO धनंजय कुमार करहरिया पंचायत एवं CO शंभूसरण राय कुमेठा पंचायत, BDO मनोज कुमार मुर्मू खानपुर पंचायत का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों ने अपने अपने पंचायत का निरीक्षण करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र, नल जल योजना, आवास योजना, स्वास्थ्य केंद्र, जन वितरण प्रणाली सहित सरकार द्वारा चल रहे योजनाओं की जांच पड़ताल की। इस दौरान SDO धनंजय कुमार सहित CO शंभूसरण राय, BDO मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर जांच पड़ताल की गई है, जांच की रिपोर्ट जिला भेजी जाएगी। नयागंज पंचायत में भूमि सुधार उप समाहर्ता रवि कांत सिन्हा के नहीं पहुंचने पर नया गांव पंचायत की जांच पड़ताल नहीं हो पाई। इस दौरान पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण मौजूद रहे। हम लोग विभिन्न विभिन्न योजनाओं का जांच कर रहे हैं, जहां पे जो भी कमियां रह रही हैं उसको हम लोग ले रहे हैं अपने कॉग्निजेंस में, और फिर हम लोग आगे प्रतिवेदित करेंगे और हम लोग इसको रेगुलर फॉलोअप भी करेंगे कि ये निश्चित रूप से ये सब कार्य हो जाए। बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं सर जहाँ जलमीनार बन चुकी है और धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो पा रही है, इस पर आपका क्या? नल जल योजना जी है ना, मतलब जो अभी तक हमको सूचना मिली है, ठीक है, वही हम लोग घूम के देख भी रहे हैं कि सभी वार्डों में पानी का संचालन हो रहा है, मतलब पंप फंक्शनल है, सभी घरों में पानी जा रही है। जहाँ जहाँ पे स्टोरेज के लिए जो पंप ये पानी टंकी का बनना होता है वो अभी करवाया जा रहा है। और कुमेठा पंचायत का निरीक्षण किया गया, जल नल आंगनबाड़ी विद्यालय पैक्स बोरिंग भिन्न भिन्न चीज़ जो पंचायत से संबंधित होते हैं, गृह आवास वृद्धा पेंशन सभी चीज़ों का जांच किया गया, जांच रिपोर्ट हम लोग जिला को भेजे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद ब्राह्मण टोला के रहने वाले युवक को अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहृत करने का मामला प्रकाश में आया है। अपहृत युवक अमित झा के पिता सदानंद झा एवं वार्ड पार्षद पप्पू झा ने बताया कि अमित झा जमीन का कारोबार करते हैं, कल शाम से घर से निकले पर वापस घर नहीं पहुंचे। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। तड़के सुबह अपहृत युवक अमित झा का स्कॉर्पियो कमराय व उदाडी के बीच लावारिस अवस्था में मिला। इसको सूचना देने पर पुलिस स्थल पर पहुंचकर स्कॉर्पियो को बरामद करते हुए अपहृत युवक की खोजबीन में जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात से स्कॉर्पियो लगी हुई थी। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस स्कॉर्पियो से अपहृत युवक का जैकेट सहित अन्य सामान बरामद किया गया। क्या क्या, क्या बात है? रात में जो सामने गाड़ी लगा यहाँ पे जिस समय लगा हुआ था, उसे एक व्यक्ति तो उतरा तो जरूर उतरा, उतरने के बाद वो बाथरूम करने के लिए गया जी जी, बाथरूम करने के बाद वो गाड़ी लॉक करके कहीं चले गए। अब किधर गए ये हम मैंने नहीं देखा, लेकिन रात 10 बजे मैंने फिर से देखा कि गाड़ी एक जगह ही खड़ी है, क्या बात है क्या नहीं है, तो मैंने टॉर्च ले जा करके उसको पूरा सर्च किया। गाड़ी में केवल जैकेट पड़ा हुआ था, एक छोटा अटैची था, जो कि मैंने पूरा खंगालने के बाद अड़ोस पड़ोस में भी पता किया तो बोला कि नहीं भाई मेरा तुलसी का गाड़ी के नहीं है। जो मैंने थाना में भी सूचना देने की कोशिश की लेकिन लैंडलाइन पे कोई रिसीव नहीं कर पाया। तो घर से 2 बजे निकला है। कौन निकला है? अमित कुमार जी जी। कहाँ? सदानंद झा ग्राम शाहबाद के हैं जी जी, हमारे वार्ड से हैं जी जी, हम वहाँ के प्रतिनिधि हैं जी जी। वहाँ से निकला है अपने गाड़ी से, यहाँ तक आया है, उसका मोबाइल का लोकेशन बता रहा है कि वो असरगंज तक गया है, अच्छा रहमतपुर तक गया है, रहमतपुर से फिर गाड़ी यहाँ लगी हुई है। कहाँ? कल से ही गाड़ी यहीं पर लगी हुई थी। कौन जगह बोलते हैं?
इसको गुराड़ी के थोड़ा सा नारा पुल से आगे कमराई चौक से पहले पहले नारापुर से आगे कमराई से पीछे कमराई से लगभग रखिए एक डेढ़ किलोमीटर एक किलोमीटर पीछे गाड़ी लगा हुआ गाड़ी लगा हुआ किसका गाड़ी लगा हुआ अमित कुमार का अपनी गाड़ी है अपने गाड़ी से आया था वो कहाँ है अमित कुमार गायब है अमित कुमार नहीं है गाड़ी लगी हुई कल से ही गायब है रात में हमने इसके सूचना पुलिस को दिए हैं थाना को दे दिए हैं तो क्या पुलिस अभी थाना प्रभारी आए थे जी जी सभी फुटेज देख रहे हैं यदि उसमें मिल जाए तो ठीक है। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के अकबर नगर मुख्य बाजार में संतोष इंटरप्राइजेज के यहां कृषि विभाग के अनुमंडलीय पदाधिकारी अरविंद झा ने गुप्त सूचना के आधार पर अकबर नगर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में खाद बरामद किए हैं। इस दौरान कृषि विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद झा ने बताया कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से यूरिया खाद एवं डीएपी खाद की कालाबाजारी संतोष इंटरप्राइजेज अकबर नगर मुख्य बाजार में की जा रही थी। सूचना मिलने के बाद अकबर नगर थाना पुलिस के सहयोग से भारी मात्रा में यूरिया खाद एवं डीएपी खाद बरामद किया गया। मौके पर खाद व्यवसायी दुकान बंद कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा संतोष इंटरप्राइजेज की दुकान का ताला तोड़कर भारी मात्रा में यूरिया खाद एवं डीएपी खाद बरामद किया गया। अकबर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए संतोष इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जांच की तरफ में आए थे तो गोपनीय सूत्र से सूचना मिली थी यहाँ कि यहाँ पे यहाँ जो कि ये जो खाद है वो इलीगल बेचा जा रहा है, तो कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि गलत यहाँ खाद मिलता है। तो उसी तरह में यहाँ पर आए तो इसे जब मांगा गया कि भाई आप अपना यहाँ अनुगति जो लाइसेंस होता है वो दिखाइए, तो उनके द्वारा लाइसेंस नहीं दिखाया गया और दुकान को फोर्सिंग बंद कर लिए जो कि नियमानुसार नहीं है। और इसी क्रम में मैंने उनको बोला कि आपका कहाँ गोदाम है खाद का ये दिखाइए, तो वो कुछ नहीं कोऑपरेट किए हैं। तो यहाँ पर यह लोकल के स्तर से जांच करके पता चला इनका दो गोदाम है यहाँ पास ही में, थाना को भी बुला लिया गया इसके लिए और उनका यहाँ जो है रिजो ये क्या कहते हैं सबूतनामा बनेगा कितना है उसको जब्ती में बनेगा क्या क्या मामला है कितना खाद के पास है और सारे जांच करके इसको यहाँ एफ आई आर किया जाएगा। मैंने गैर लाइसेंसी तौर गैर लाइसेंसी तौर पर यहाँ पर खाद बिकने का गुप्त सूचना था उसी पर जाँच किया गया। तो ये क्रम में ये लोग जो है जो दुकानदार हैं वो फरार हो गए हैं। भागलपुर के बरारी थाना अंतर्गत विक्रमशिला पुल के बीचों बीच तड़के सुबह तेज रफ्तार से आ रही कंटेनर और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक बंगाल से नेपाल की ओर जा रही थी और कंटेनर एकचारी से कटिहार की ओर। दोनों तरफ के वाहन की तेज गति होने के चलते दोनों में टक्कर हुई और कंटेनर का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। साथ ही ट्रक का ड्राइवर और खलासी को भी आंशिक चोट आई है, जिसके चलते घंटों विक्रमशिला पुल पर जाम लग गया। पुलिस प्रशासन की तत्परता से किरान के द्वारा दोनों वाहनों को विक्रमशिला पुल से हटाया गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। रजौन फुनसिया के रहने वाले ट्रक ड्राइवर ने बताया कि हम लोग एक चारी से माल लेकर कटिहार जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही कंटेनर हमारी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं जमुई के रहने वाले कंटेनर के खलासी नीरज ने बताया कि हम लोग सामने से आ रहे गाड़ी को देख नहीं पाए, फिर भी मेरी गाड़ी का डीपर लाइट जला हुआ था। इसमें हमारा ड्राइवर चंदन बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। भागलपुर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रांगण में वाणी प्रकाशन ग्रुप की ओर से पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य संजय चौधरी, डॉक्टर योगेंद्र, डॉक्टर अरविंद, मधु कांकरिया, मीनाक्षी चतुर्वेदी, आमोद मिश्र एवं रवि भूषण ने सामूहिक रूप से किया। कार्यक्रम में साहित्य संसद, साहित्य चर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। पुस्तक मेला में कई विधाओं के पुस्तक लगे हुए थे। वहीं साहित्य संस्कृत साहित्य चर्चा में वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। साथ ही कार्यक्रम में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के संयोजक दयानंद जायसवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है साहित्य को समृद्ध बनाना।